फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल फ्रेंडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं योगेश कुमार आपको एक ऐसा स्टोरी बताऊंगा जो आपके जीवन में काफी काम आएगा और वो आपको काफी इंस्पायर करेगा। ठीक है, तो एक बार की बात है, यमराज एक आदमी के पास जाते हैं, उस व्यक्ति को पूछते हैं कि अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, अब तुम चलो। तो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा कोई भी काम अभी नहीं हुआ है, सारा काम अधूरा है, मैंने जो लक्ष्य, जो गोल, जो ड्रीम रखा तो अभी तक पूरा नहीं किया। तो यमराज जी पूछे कि ये तुम कर क्या रहे थे? तो उसने बताया कि मैंने सोचा कि थोड़ा दिन और मस्ती कर ले, उसके बाद ये काम मैं पूरा करूँगा। ये ठीक इसी प्रकार हम लोग के जीवन में यही होता है। हम लोग सोचते हैं जब उम्र बढ़ता है तो सोचते हैं क्या, अभी थोड़ा सा मस्ती कर ले उसके बाद फिर पढ़ेंगे, थोड़ा सा और मस्ती कर ले उसके बाद ये हम काम करेंगे। ऐसे करते 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 क्या होता है, ये समय तो रुकेगा नहीं। आप मस्ती करें या ना करें, पढ़े या ना पढ़े, ये समय चलते रहता है। ठीक है, तो समय आता नहीं, सब लोग कहते हैं कि समय आएगा तो मैं ये काम कर लूंगा। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, समय आता नहीं है, समय हमेशा जाता है। तो क्या हुआ कि यमराज जी बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा, ये तो विधि का विधान है, सबको लेकर जाता हूँ, आज तुम्हें भी लेकर जाऊंगा, तुम्हारा आज उम्र पूरा हो गया है। तो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, बार बार रिक्वेस्ट करता है यमराज जी से। यमराज जी बोलते हैं कि नहीं, तुमको चलना ही होगा। तो बोलता है कि ठीक है, मैं जब चलना ही है तो मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसे आप पूरा कर दीजिए। यमराज जी कहते हैं, यमराज जी कि ठीक है, मैं तो सबकी अंतिम इच्छा पूरा करता हूँ, आज तुम्हारा भी अंतिम इच्छा पूरा करूँ। तो बोलता है कि ठीक है, आप मेरे साथ आज रात में डिनर किया। तो यमराज जी तो खुश होते, बोलते वाह, तुमने तो अंतिम इच्छा तो रखी लेकिन मेरे हित में रखी। तो क्या हुआ कि ठीक है, तो यमराज जी को अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद से बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट भोजन बनाया और यमराज को और अपना दोनों आदमी को भोजन लगा दिया टेबल पे, और यमराज जी के भोजन में एक नींद की गोली डाल दी। अब यमराज जी देखे नहीं थे, यमराज जी को मस्ती से भोजन किए और भोजन करते करते वहीं पे सो गए। अब वो लड़का क्या करता है, यमराज जी का लिस्ट उठाता है और क्या करता है कि अपना जो पहला लिस्ट में पहला नाम था उस नाम को हटाकर सबसे नीचे कर देता है। अब जब सुबह होता है, यमराज जी उठते हैं तो कहते कि बाप, मुझे इतना अच्छा नींद आया कि पूछो मत, जीवन में ऐसा भोजन हमने कभी किया ही नहीं था, बहुत अच्छा नींद आया, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। चलो, मैं प्रसन्न होकर अब मैं ऊपर से लिस्ट में गिनना नहीं शुरू करूंगा, अब मैं नीचे से गिनूंगा। अब तो ऊपर से गिनता तो भी वो लड़का आता, और नीचे से गिनेगा तो भी वो लड़का आएगा ही। तो स्टोरी हमें बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दे जाती है कि जीवन में जो होना रहेगा वो तो होकर ही रहेगा, बशर्ते अपना आप कर्म करते जाइए। ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले बहुरी करेगा कब। मतलब जो कल करे सो आज कर ले, जो आज करना अभी कर ले, पता नहीं ये समय कब खत्म हो जाएगा और हमारा अंतिम समय आएगा, यमराज आएगा और लेके चला जाएगा। इसलिए हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर आपका ड्रीम, आपका लक्ष्य, आपका गोल, ये कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि ये तुलसीदास लिखे हैं कि हाजिर में हुजत, गैर हाजिर में तलाश। क्या लिखे हैं फिर से, कमॉन, हाजिर में हुजत, गैर हाजिर में तलाश। जब समय हाजिर रहता है तो हम और आप हुजत करते हैं कि नहीं आज करेंगे, कल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हुजत करते हैं। और जो समय निकल जाता है तो हम और आप क्या करते हैं, उस समय की तलाश करते हैं। जैसे आज के डेट में जब राम थे तो किसी ने राम नहीं माना उनको, कुछ लोग राम उनको माने और उनकी सेवा किए, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान क्या सभी जगह सब लोग हरे रामा हरे कृष्णा कहते हैं कि नहीं। ठीक उसी प्रकार ये हम लोग का जीवन होता है, हाजिर में हुजत और गैर हाजिर में तलाश।